हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके ट्रेवलर में। दोस्तों आज हम घूमने के लिए आए हैं स्वर्ग वेद महामंदिर धाम। दोस्तों यह महामंदिर इतना विशाल है कि इसकी विशालता का पता इस बात से चलता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा साधना केंद्र बनने जा रहा है। दोस्तों इस महामंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह मंदिर क्यों बनवाया जा रहा है और यह मंदिर कब से बन रहा है, हम सारी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों यह 7 फ्लोर का मंदिर है और जिनकी देखरेख में यह मंदिर बन रहा है उन्होंने हमें 1 फ्लोर तक जाने की अनुमति दी है और हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर हैं। दोस्तों यह पूरा मंदिर संगमरमर पत्थर से बन रहा है जो कि राजस्थान से लाया जा रहा है। महामंदिर को बनाने के लिए राजस्थान से ही कारीगर आए हैं और वहीं के वर्कर्स हैं। यह मंदिर के पीछे का हिस्सा है। यह महामंदिर इतना बड़ा है कि 64,000 स्क्वायर फीट पर बन रहा है। इस 7 फ्लोर के महामंदिर में 350 पिलर लगे हुए हैं और एक बार में 20,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। यह इतना विशाल मंदिर है कि 2004 में इसकी नींव रखी गई थी और अभी तक बन रहा है। 2022-23 में पूरा होने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा इतनी सारी लिफ्ट बनाई गई हैं कि ऐसा लगता है कि हर एक फ्लोर में एक लिफ्ट बनी हुई है। काम बहुत तेजी से चल रहा है, चारों तरफ लकड़ियों का जाल बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का इस प्रकार का नजारा दिखता है। पत्थरों में बहुत ही खूबसूरत कलाकृति उकेरी गई है। सदगुरु सदाफल देव जी ने ज्ञान की प्राप्ति एवं ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना को एकमात्र रास्ता बताया है। ज्ञान प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना या मेडिटेशन करने के लिए इस महामंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महामंदिर में संत कबीर की शिक्षाओं का भी वर्णन किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब बाहर की ओर चलते हैं जहां पर योग मुद्रा में बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। चलिए आइए देखते हैं। मंदिर निर्माण के बाद ये सभी मूर्तियां मंदिर में रखी जाएंगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।